जब से आदि पुरुष रिलीज हुई है लोगों का गुस्सा फिल्म के मेकर्स पर फूट रहा है। फिल्म के डायलॉग और भाषा को लेकर बवाल मचा हुआ है। लेकिन इसी बीच फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत का हनुमान जी को लेकर किया गया एक पुराना ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि ये ट्वीट अब डिलीटेड है, लेकिन यूजर्स उस ट्वीट को स्क्रीनशॉट करके ओम राउत को बुरी तरह से खरी खोटी सुना रहे हैं और उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। सबसे पहले आप इस ट्वीट पर गौर कीजिए। ये ट्वीट ओम राउत ने 4 अप्रैल 2015 को किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, क्या हनुमान जी बहरे थे जो लोग इतना जोर जोर से म्यूजिक बजा रहे हैं। लगता है हमारी बिल्डिंग वालों को ऐसा ही लगता है, खास तौर पर हनुमान जयंती पर जब लोग तेज ध्वनि में अप्रासंगिक गाने बजाते हैं। ओम राउत का ये ट्वीट डिलीटेड है, लेकिन यूजर्स इस पुराने ट्वीट के स्क्रीनशॉट को शेयर करके ओम राउत को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, आदि पुरुष निर्देशक ओम राउत ने कहा कि कृपया एक सीट हनुमान जी के लिए दे, और अब हनुमान जी के लिए उनका ये ट्वीट देखिए। एक दूसरे यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, लेकिन ओम राउत ये क्या है, आपने अपनी रद्दी आदि पुरुष फिल्म में सचमुच रामायण का अनादर किया और यहाँ आपने ट्वीट में भगवान हनुमान का भी अनादर किया है। एक और यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, इस ट्वीट को डायरेक्टर ओम राउत ने डिलीट कर दिया था, लेकिन ये आर्काइव और स्क्रीनशॉट है। एक तरफ भगवान राम और भगवान हनुमान के नाम पर कमाई और दूसरी तरफ श्री हनुमान के लिए व्यंग्य। आपको बता दें कि जब आदि पुरुष का ट्रेलर लॉन्च इवेंट हुआ था, उस दौरान ओम राउत ने कहा था कि हर सिनेमा हॉल में एक सीट हनुमान जी के नाम पर रखी जाए, क्योंकि जहां पर श्री राम की बात होती है वहां पर हनुमान जी आते ही आते हैं। लेकिन अब जिस तरह से ओम राउत का हनुमान जी को लेकर एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है, वो ओम राउत के लिए कई परेशानियां खड़ी कर सकता है। आपको बता दें कि फिल्म को लेकर विवाद दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। लोगों का कहना है कि फिल्म बनाकर ओम राउत ने रामायण का मजाक उड़ाया है। आदि पुरुष के बढ़ते विवाद पर ओम राउत ने सफाई देते हुए कहा कि लोगों को समझना होगा कि ये रामायण नहीं आदि पुरुष है। रिपब्लिक वर्ल्ड को दिए एक लेटेस्ट इंटरव्यू में आदि पुरुष और रामायण विवाद पर ओम राउत ने कहा था, रामायण इतना बड़ा है कि इसे किसी के लिए भी समझना असंभव है। अगर कोई कह रहा है कि वो रामायण को समझते हैं, तो वो मूर्ख है या फिर वो झूठ बोल रहे हैं। रामायण जो हम पहले टीवी पर देख चुके हैं, यह कुछ ऐसा है जिसे मैं बड़े फॉर्मेट में देखते हुए बड़ा हुआ हूँ। हम इसे फिल्म रामायण नहीं कह सकते, इसलिए हम इसे आदि पुरुष कह रहे हैं, क्योंकि ये रामायण के भीतर एक खंड है। ये एक युद्ध कांड है जिसे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सिर्फ युद्ध कांड का एक छोटा सा हिस्सा है। बहरहाल आपको बता दें कि प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान स्टारर फिल्म आदि पुरुष 16 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, और फिल्म के रिलीज के बाद से ही इसे काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। फिल्म से लोग काफी नाराज हैं, लेकिन तमाम विरोध के बावजूद आदि पुरुष बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है। फिल्म ने अपनी रिलीज डे पर 80 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस कर लिया था, तो वही दूसरे दिन फिल्म ने 60 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया है। हालांकि आलोचनाओं के बीच ये भी खबर आ रही है कि तमाम लोग बुक की गई टिकट को भी कैंसिल करा रहे हैं, जिससे मेकर्स को तगड़ा झटका लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।